जय हिंद। वेलकम टू 500 प्लस एम सी क्यू सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। मैं गणेश सिंघानिया, गेट क्वालिफाई इन 2021। आज का टॉपिक रहेगा सोलर थर्मल सिस्टम पे। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं, उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हैं मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली दो टेक्नोलॉजी के द्वारा यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तो सोलर थर्मल सिस्टम या एक सोलर फोटोवोल्टिक। तो ये दो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलर थर्मल सिस्टम में क्या होता है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे पानी को गर्म किया जाता है या कोई और वर्किंग सब्सटेंस है उसको क्या किया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसे हॉट या हॉट किया जाता है या गर्म किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोलर एनर्जी जो है उसका डेंसिटी बहुत लो होता है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें कलेक्टर की आवश्यकता होती है, जिसे सोलर कलेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर पावर हैज़ लो डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि सोलर पावर का जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया वो क्या होता है, तो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर टू 0.1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। तो हम ये जान लिए कि सोलर कलेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सोलर कलेक्टर को आवश्यकता, आप जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सोलर कलेक्टर मुख्यतः दो टाइप का होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटिक टाइप और दूसरा होता है नॉन कंसंट्रेटिक टाइप। नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप को हम फ्लैट प्लेट टाइप भी कहते हैं और कंसंट्रेटिंग टाइप को हम फोकस टाइप भी बोलते हैं, फोकस पॉइंट टाइप। ये उसका क्लासिफिकेशन है सोलर कलेक्टर का। तो आप देख लीजिए एक बार सोलर कलेक्टर। ये आपका सोलर कलेक्टर, दो टाइप्स का, नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप है, दूसरा कंसंट्रेटिंग टाइप। नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर और फ्लैट प्लेट एयर हीटिंग कलेक्टर। फिर कंसंट्रेटिंग टाइप टोटल दो प्रकार का है, एक फोकस टाइप और एक है नॉन फोकस टाइप। फोकस टाइप में ए मॉडिफाइड प्लेट फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दूसरा कंपाउंड। फिर उसके बाद फोकस टाइप में दोनों है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कंसंट्रेशन रेशियो पर, कि कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है। तो कंसंट्रेशन रेशियो जो होता है प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन जो रिसीवर होता है उसका एरिया। तो हम इस पे बात करते हैं कि कंसंट्रेशन रेशियो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप का क्या होगा और कंसंट्रेटिंग टाइप का क्या होगा। तो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप का जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो 1 होता है, क्योंकि ये फ्लैट प्लेट होने के कारण इसका रिसीवर या ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर का एरिया और कलेक्टर का एरिया सेम होता है। इसके वजह से क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन रेशियो 1 आता है। और कंसंट्रेटिंग टाइप में रिसीवर का एरिया छोटा होता है, कलेक्टर का एरिया बहुत बड़ा होता है। कुछ और जानकारी के लिए कलेक्टर टिल्ट जो एक उस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर नॉर्मली यूज इन फिक्स पोजीशन, डू नॉट ट्रैक द सन। ये फिक्स पोजीशन पे होता है, ये सन को ट्रैक नहीं करता है। इसका जो टिल्ट एंगल होता है वेरी करता है थीटा प्लस 10 डिग्री या थीटा प्लस 15 डिग्री। एम्बिटर एप्लीकेशन के लिए
थीटा माइनस 10 डिग्री, थीटा फाइव सॉरी फाइव फाइव माइनस 10 डिग्री और फाइव माइनस 15 डिग्री। ये समर एप्लीकेशन के लिए। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कलेक्टर टिल जो होता है समर के लिए कितना होता है, विंटर के लिए कितना होता है। तो 5 प्लस 10 फॉर विंटर के लिए, या 5 प्लस 15 और 5 माइनस 10 या 5 माइनस 15 समर के लिए। तो आपको ये पूछ सकता है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो पहला है, ये सोलर थर्मल कलेक्टर कलेक्ट द सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट इट बैक। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है, ऑब्जर्व द सोलर रेडिएशन एंड डिसिपेट इट टू एवियंट। ये भी नहीं होगा। कलेक्ट एवियंट का मतलब वायुमंडल या एटमोसफेरिक। कलेक्ट एंड कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल में तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत सारे प्रोसेस अभी करना पड़ेगा, सोलर थर्मल को और सारे सेटअप करना पड़ेंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कलेक्ट एंड कन्वर्ट्स होगा यहाँ पे द सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी एंड डिलीवर्स। हाँ ये सही है, हीट टू हीट ट्रांसफर फ्लूड, सही है। तो ये कट इज राइट। सेकेंड है, द कंसंट्रेशन टाइप सोलर कलेक्टर। कंसंट्रेशन टाइप यानी कि फोकस टाइप। तो कंसंट्रेशन टाइप सोलर कलेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्व द रेडिएशन एंड देन इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। सही है। फर्स्ट का क्या होता है कंसंट्रेशन टाइप का? कुछ इस तरीका का होता है, ये कलेक्टर होता है और ये यहाँ से आपका सोलर एनर्जी है, सन के किरण है, और यहाँ पे जाके सारे का सारे क्या होता है, एक फोकस पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं। ये आपका मान लीजिए ऑब्जर्वर है। तो ये कौन सा टाइप का है? कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व द रेडिएशन एंड देन इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। सही है, दो का फर्स्ट। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको चार स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन गलत है और कौन सही है बताना है। कह रहा है, दीज आर सिंपल इन कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन फ्लैट प्लेट के लिए, यानी कि नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप के लिए। तो दीज आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, दे हैव हाई इफिशियंसी। नो, ये गलत है। दे डू नॉट ट्रैक द सन, अभी बताएं आपको इस सन को ट्रैक करें कहता है, तो सही है। दे मेक यूज ऑफ बोथ बीम एज वेल एज डिफ्यूज रेडिएशन। हाँ ये भी सही है। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा आर करेक्ट है। तो तीन का कौन सा सही है? तीन का डी सही है। फिर करा द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट यानी कि नॉन कंसंट्रेटिंग था, तो कितना बताए हैं अभी? 1। करा सिलेक्टिव सरफेस है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्टिव सरफेस है। तो सिलेक्टिव सरफेस का करेक्टरिस्टिक जो होता है वो है हाई वैल्यू ऑफ ऑब्जर्विटी फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड लो वैल्यू ऑफ इमिसिविटी फॉर आउट गोइंग री रेडिएशन। सी या इसका सही है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ हीट रिमूवल फैक्टर एफ आर, जिसे हीट रिमूवल फैक्टर से डिनोट किया जाता है, ऑफ ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर लाइज इन द रेंज। तो इस जो रेंज में लाइज करते हैं तो 0 to 1 होता है, यानी कि 6 का बी इज राइट। 7 है, फॉर हीटिंग एप्लीकेशंस ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर फॉर ऑप्टिमल गेन द कलेक्टर टिल्ड एंगल। ये कलेक्टर टिल्ड एंगल आ गया, तो विंटर के लिए क्या होगा? विंटर के लिए था 5 प्लस, यानी कि 5 प्लस 10 और 5 प्लस या 5 प्लस 15। इन एवेक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, तो एवेक्यूएटेड ट्यूब यानी कि जिसमें वायु नहीं है, तो क्या है? ओनली
बोथ कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन लॉसेस आर, ये सही है, ये नहीं होगा, कंडक्शन लॉसेस सुप्रेस्ड ये भी नहीं होगा, सुप्रेस्ड ये भी नहीं होगा, रेडिएशन लॉसेस आर सुप्रेस्ड ये भी नहीं होगा, कन्वेक्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही है? ये सही है। यूज ऑफ बूस्टर मिरर्स विथ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, बूस्टर मिरर कंसनट्रेटिंग टाइप कलेक्टर के लिए, तो इंक्रीज द रिफ्लेक्शन टू एटमोसफेयर, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टू, इसमें क्या कर सकता है? तो बूस्टर मिरर है अगर हम लगा देते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, तो क्या होगा? इंक्रीज द बीम रेडिएशन कंपोनेंट ऑफ ऑन ऑब्जर्वर, तो डी सही है इसका। क्या हो सकता है उस, क्या हो जाएगा उसमें? बीम रेडिएशन कंपोनेंट ऑब्जर्वर का इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है असिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसनट्रेटर रिक्वायर्स टू एक्सिस ट्रैकिंग, वन एक्सिस ट्रैकिंग, नो ट्रैकिंग और सीजनल एडजस्टमेंट ओनली, तो इसका कौन सा सही है? डी, सॉरी बी, बी सही है, वन एक्सिस ट्रैकिंग होता है। 10 का कौन सा सही है? बी। अगला है शेफलर सोलर कंसंट्रेशन, शेफलर सोलर कंसंट्रेशन के लिए हमको चाहिए टू एक्सिस ट्रैकिंग, कौन सा सही है? ये 12 है। पे बैक पीरियड ऑफ एन ऑर्डिनरी पैसिव सोलर वाटर हीटर इज, तो पे बैक पीरियड के लिए ऑर्डिनरी पैसिव सोलर वाटर हीटर उसका टाइम है 2 से 6 ईयर्स। व्हाट इज द टिपिकल कुकिंग टाइम ऑफ अ पैराबोलाइडल डिश कुकर, पैराबोलाइडल डिश कुकर जो होते हैं उसका टिपिकल जो टाइम होता है वो है 20 से 30 मिनट। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोलर फर्नेसेज, तो मोस्ट एडवांटेज इम्पॉर्टेंट है वो है हीटिंग विदाउट कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये डी सही है इसका। 14 का कौन सा सही है? डी। 15 है मेन एडवांटेज इन स्टोरिंग सोलर थर्मल एनर्जी बाय डिसोसिएशन ऑफ NH3 इज, तो डिसोसिएशन जब NH3 का करेगा तो मेन एडवांटेज इसका स्टोरिंग का वो है थर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एट रूम टेम्परेचर, सी इसका राइट है। नेक्स्ट है सोलर थर्मल वाटर पम्प, तो सोलर थर्मल वाटर पम्प के लिए कौन सही है? यूज सोलर थर्मल एनर्जी टू इवेपोरेट वाटर, क्या ये सही है? यूज सोलर थर्मल एनर्जी टू सर्कुलेट हॉट वाटर, यूज इलेक्ट्रिक पावर पम्प टू सर्कुलेट वाटर हीटेड बाय सोलर एनर्जी, यूज सोलर थर्मल एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बार पावर टू ड्राइव द पम्प, कौन सही है? तो डी इसका सही है। 16 का कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट है द मेन कंसर्न इन अ सोलर पॉन्ड, सोलर पॉन्ड के लिए कौन सही है? तो मेंटेनेंस ऑफ साल्ट ग्रेडियंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट वाटर, हैंडलिंग ऑफ हॉट ब्रांड, कौन सही है? तो 17 का ये मेंटेनेंस ऑफ साल्ट ग्रेडियंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोलर चिमनी प्लांट, तो सोलर चिमनी प्लांट के लिए कौन सही नहीं है? तो सबसे पहले चार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, नहीं। इट इज ए सिंपल इन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये भी नहीं। इट हैज अफोर्डेबल कॉस्ट, ये सही है। इट रिक्वायर्स अ बिग एयर टर्बाइन, कह रहा कौन सही नहीं है? तो
इट रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, ये तो होना होगा ही होगा। इट सिंपल इन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये भी सिंपल ही है। इट रिक्वायर्स ए बिग एयर टर्बाइन, बिग एयर टर्बाइन तो आवश्यकता होगा। तो कौन सही नहीं है? सी सही नहीं है। तो 18 का कौन सा राइट आंसर है? सी। नेक्स्ट है, इन सेंट्रल टावर टाइप सोलर कलेक्टर हैज हेलियस्ट स्टेट्स। फर्स्ट हैव वन एक्सिस ट्रैकिंग फैसिलिटी, हैव टू एक्सिस ट्रैकिंग फैसिलिटी, आर फिक्स्ड, आर एडजस्टेड सेशनली। तो सेंट्रल टावर टाइप सोलर कलेक्टर जो होता है वो दो एक्सिस ट्रैकिंग फैसिलिटी रखता है। फिर है नेक्स्ट, ये सोलर ग्रीन हाउस। सोलर ग्रीन हाउस में क्या होता है? सोलर ग्रीन हाउस में होता है कि प्रोवाइड करता है इन्हेंस्ड रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सोलर जो ग्रीन हाउस होता है उसमें क्या होता है? प्रोवाइड करता है इन्हेंस्ड रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि बी सही है। सॉरी, बी इज नॉट करेक्ट फॉर दिस। इसका सही आंसर है यू सोलर एनर्जी टू प्रोवाइड कंडक्टिव कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। नेक्स्ट है, ग्लास कवर विथ हाई आयरन कंटेंट। ग्लास कवर हाई आयरन कंटेंट करेगा तो क्या करेगा? ट्रांसमिट लेस लाइट थ्रू इट, मतलब कम जो लाइट है वो ट्रांसमिट करेगा। फिर है टेम्पर ग्लास कवर हैज लोअर कन्वेक्शन लॉसेस, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इट्स मैकेनिकली मोर स्ट्रॉन्गर, नहीं। तो क्या होगा? टेम्पर ग्लास हैज हायर थर्मल स्ट्रेस कैपेबिलिटी। तो कौन सा ये? सी इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।